मैं बस्ती का हस्ती ऐसे बोल रहे यहाँ पे हफ्ता लगता है, हफ्ता 50-50 रुपये पर बाइक, ठीक है। कुछ बोल रहे बच्चे रहे गाइस, एक्चुअल में सीन क्या है, बड़े दिनों से मेरे बॉडी में दर्द हो रही है, तो एक कोल्ड वाटर बात लेंगे। यहाँ ऊपर जाओ, ऊपर जाइए सर, देखा ऊपर जाए। सो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स ऑफ हिमालयन जंकीज। मैं हूं आपको दोस्त हो साहिल। तो गाइज, आज है संडे वीकेंड, तो आज हमने डिसाइड किया हुआ था कि निकलेंगे आज शॉर्ट राइड पे। तो जाने वाले हैं मैं, लॉबी, दीक्षित, तो बड़े टाइम बाद जाने वाले हम तीनों बाइक राइड पे। ऐसे तो थोड़े दिनों से घूम रहे थे, बट बाइक राइड में काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को साथ में जाए हुए। तो ऐसे ही जाएंगे अभी ऊपर तक। हमने सोचा, डिसाइड किया ओडनाली से ऊपर साइड को एक विलेज है मजाज करके, तो वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक रोड जाता है, थोड़ी ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी। फिर उसके बाद दिन जैसे वो देखेंगे काइंड ऑफ, वहाँ पे अगर मन किया तो नदी किनारे दिल्ली पुकारे नहा लेंगे वहाँ पे। तो चलते हैं, वो लोग अभी रिक्शित गए अभी अपनी स्कूटी की सर्विस कराने, और बाकी लोग वो हो रहा है तैयार। तो मैं तो बिल्कुल तैयार तो हो चुका हूँ, ज़्यादा कुछ होता नहीं करने को तैयार। मैं नहाना है बस, हो गया छलाका मारना है। वैसे भी यहाँ पर 2-3 दिन से पानी की दिक्कत आ गई मनाली में, जब से टूरिज़्म बढ़ गया है। तो टूरिस्ट इतने ज़्यादा आ गए कि जो वाटर के रिजर्व्स होते हैं वो सारे शॉर्टेज में जा रहे हैं, तो जिस वजह से पानी की दिक्कत आ रही है, काफ़ी शॉर्टेज हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस वजह से वेस्टेज नहीं किया है, तो मुँह हाथ धो के चल पड़ रहे हैं हम लोग। बाकी ऐसे नहीं है, नहाते रहते हैं हम लोग एक एक दिन में। तो बस चलते हैं बाजार में, आज मौसम भी बढ़िया, बाइक राइड के लिए बिल्कुल A1 वेदर है। तो लेट्स गो देन, चलते हैं जल्दी। भाई जब तक उनका फ़ोन आता है, मैं बोला तब तक थोड़े से अल्फोंसो आम का मज़ा ले रहे हैं, तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, तब तक मिलता हूँ आपसे ब्रेक के बाद। तो गाइस, सबसे पहले देंगे टोबी को एक कोल्ड स्टार्ट, जो कि आजकल उतना ज़रूरी है भी नहीं, क्योंकि टेम्परेचर खुद ब खुद ही 40 डिग्री के ऊपर है, तो बाइक ऑलरेडी गर्म होती है। तो रिक्शित लोगों गए अभी अपने शॉप, तो वहाँ से वो पहले देखेगा कौन सी बाइक ले जानी है उसने, क्योंकि उसने उसके यहाँ ऑप्शन बहुत है, पैसा बहुत है, तो वहाँ से देखेगा कौन सी बाइक ले जानी। बाकी रिक्शित घर गया है, तो उसको कॉल करेंगे, क्या आला मजा रहा है, फिर उसको कॉल करेंगे, तब वो सीधे हमारे को वहाँ पे मिलेगा लॉबी के वहाँ पे। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ लॉबी के वहाँ, इकट्ठे होते हैं लॉबी के वहाँ, डिसाइड किया हमने इकट्ठे होने के लिए। फिर वहाँ पे थोड़ी ऑयलिंग भी कर देंगे बाइक पर, क्योंकि बहुत टाइम बाद निकाला हूँ बाइक, जब से काजा गया उसके 1-2 दिन गया था मैं कहीं पर, उसके बाद नहीं निकाले। तो जहाँ मैं बाइक लगाता हूँ तो वहाँ पर लगा है गेट, क्योंकि आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, टूरिस्ट गाड़ियाँ यहाँ डाल देते हैं, तो जिस वजह से मुश्किल हो जाती है। एक तो मैं भी अंकल के थ्रू ही लगाता हूँ यहाँ पे, तो गाली सुनने से अच्छा है तरीके से कर दो। तो चलते हैं, ओए यहाँ सुसु मत कर, फिर लेट वाले बच्चे की तरह बोलो, इधर से सुसु नहीं करने का। क्या हो गया, फोन में बात कर रहा ऐसे भाई, बीच हाईवे में फोन में बात करते करते गाड़ी चलाना इज नॉट अ गुड थिंग। बाय बाय। तो ऐसे फ़ोन में बात करते करते गाड़ी चलाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है, घर में जाके करो यार फ़ोन में बात, आपकी वजह से पीछे इतने लोगों को दिक्कत हो रहा है, वो सब देखो ना यार, थोड़ा बच्चों को संभालो यार, वो प्यार बहन दे लोग। Oh,
वाला ये साइड तो पूरा मेटालिक हो चुका है रोड, पहले तो था नहीं ऐसा। अरे यार मनाली वाले मिल के कूड़ा भी मचाएंगे, मनाली वाले मिल के सफाई करेंगे। ऊपर जाना, ऊपर छोटे तो मैं पहुंच के लो भी यहाँ। तो हाँ लोग नमस्ते, ए ब्रो आ रहा हो है तेरे ना, पीछे करता हूँ थोड़ा। बस काफी है। अच्छा थैंक यू, बेस्ट हो गया। तो गाइस अभी जाएंगे हम लोग पहले गुंबद रोड वाले पेट्रोल पंप फिलिंग स्टेशन गया, पिकअप ले गया वहाँ पे, थोड़ा सा फ्यूल अप कर देता हूँ मैं, वैसे ज़्यादा दूर जाना नहीं है, तो उसके बाद देखेंगे आगे फर्दर। अच्छा और लाला मेरे को बोलता है कि साले कंपनी से लाता है तू, कैसा खा जाता है ना मीटर से। तो भैया आप राइडर हो ना? हाँ। आपका कोई चैनल है? हाँ है रे। कौन सा? हिमालयन जंगी। हाँ कर दे सबको हाय। यार इसको ना एक बार चेक कराना पड़ा कार्तिक भाई के वहाँ जाके, इंजन हेड के वहाँ से मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, टक 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 कुछ आवाज़ आ रही है। ओए पीछे पीछे जाना कि हाईवे रोड रोड से तो वैसे खाली है क्योंकि ऊपर गाड़ी नहीं आने देते। चलो बे क्या मजा आ रहा है खाली रोड। ओ यार बोलने की देर होती, मोए मोए बदो बदे चाचा। बच्चों एक तरफ चलो, रोड है हाईवे वो नहीं है फुटपाथ है। बच्चों अपने आप को मैंने बड़ा डिक्लेयर कर दिया। अदा ये कहाँ से बीच में आ गया बंदा, यहाँ से तो मोटा ही जाम है यार। ये वाली आवाज भाइयों क्या कर जाए। इससे आगे नहीं जाएगा अब यार। चलो भाइयों थोड़ा थोड़ा तो चलो यार, थोड़ा तुम झुको थोड़ा हम झुकेंगे तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। इधर से भी बंदा खड़े हुआ, इधर से उधर से भी खड़ा होगा, मैं नहीं करूँगा मैं नहीं करूँगा, ऐसे ही तो एक रिश्ता खराब होता। हम फाइनली गाइस जाम से बच गए, जाम से उलझ के सुलझ के आए वापस। अभी तो रिक्शे डालो कितना टाइम लगाना। सो गाइस रिक्शे डाल भी आ गए बट वो लोग रुके थे कुछ सामान लेने, तो जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ बैठ के थोड़ी देर से खा लेंगे स्नैक्स वगैरह। तो इनकी किस्मत ठीक थी, जब मैं जाम से निकला उसी टाइम जाम क्लियर हुआ पूरा, तो ये लोग जल्दी पहुँच गए, नहीं तो इन लोगों को भी मेरे बराबर टाइम लगाना था फर्स्ट फर्स्ट के। तो ये है वो डाइवर्जन गाइस जहाँ से हम लोग अब जाएंगे, नाम ही भूल गया मैं, कहाँ जा रहे हैं। बजाज बजाज सॉरी
याद है, वहाँ शनाक पड़ा था, मैं नाम ही भूल गया। हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे ब्यूटीफुल वैली, ब्यूटीफुल ना। तो यहाँ पे आएंगे थोड़ी देर बाद नहाने, वो पर जाऊँ बंदे नहा देना वहाँ पे। अभी तो बहुत जनसंख्या है यार, अभी ना के फायदा नहीं है। यहाँ से ऐसा भी हुआ था, ऊपर से सोचो कैसा भी आएगा। यहाँ से लास्ट है हा? इसके आगे रास्ता नहीं है, है? पैदल रास्ता है, आगे देखने को है कुछ है? मंदिर है। अच्छा मंदिर है, हिमालयन जंकीज, जंकीज जंकीज। देखो हेलो करो सारे, यहाँ 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 हेलो करो। केम छो? मैं बस्ती का हस्ती। नाइस नाइस। बच्चे हमेशा फन होते हैं यार। न्यूटन में आई फिर। हाँ जी जंकी जंकी, साथी रह गए मेरे पीछे, मेरा मुंह मुंह दिखाई का तो पैसा लगेगा। पता मुंह दिखाई क्या होता है? पता बताओ मुंह दिखाई क्या होता है? फेस रिवील नहीं। अच्छा जब बड़े होंगे ना मुंह दिखाई का पैसा लगेगा। यहीं गाँव में लोकल ही हमारा। छापा पड़ गया ये इसकी वजह से हो गया, मेरे साथ थे वो पीछे रह गए है ना, पंख की तरह निकल गया। और आ गया मेरा दोस्त छेड़ना ही, ठीक है ऐसा बोलना है, ऐसा बोलना है इनको। यहाँ पे हफ्ता लगता है, हफ्ता 50-50 रुपये पर बाइक, ठीक है। कुछ बोल रहे बच्चे रहे। देख भाई क्या बोल रहे, यहाँ से आके जाना है तो बोला पर बाइक 50 रुपये। यहाँ से आगे हाँ मतलब वही पैसा ले लो पैसा। शिट बोलता स्कूल नहीं गए, कल या परसों तक डाल दूंगा। जब आप लोग स्कूल में पढ़ते हो ना, जब पढ़ाई करते हो, टेस्ट हफ्ते के बाद होता ना, तो वैसे आज वीडियो बनाया, अब 2-3 दिन लगेंगे एडिट में। यहाँ कहाँ मारना गाली पड़ेगी, वहाँ आओ वहाँ चढ़ाई में मारा हूँ। वो यहाँ पे जहाँ अंकल नहीं खड़े, देखो सामान वहाँ आओ वहाँ। ठीक है बच्चों, बाय, कर देना सब्सक्राइब, ठीक है अपना देखना हिमालय है, हाँ हिमालय जाएंगे, ठीक है बाय बाय बाय। तो भाई जब हम लोग आगे है रिवर साइड वाली जगह में, तो यहाँ पे नहाऊंगा मैं। सो गाइस ये है रास्ता, काफ़ी अच्छा कर दिया पहले मुकाबले, पहले तो पूरा झाड़ियों के बीच से जाना पड़ता था, यहाँ से तो अब बढ़िया एक्सपोर्स लेके जा सकते हैं स्मूथली, बिल्कुल ट्रेल की तरह। हाँ हाँ बच्चे फन ज़्यादा दिखाता हूँ। हाँ भाई वो कौन कौन एक्स्ट्रा अंडरवेयर लाया है? इसको देखा ऐसा छुपा था उनको, इसको दिखा रहा है लाया तो एक्स्ट्रा अंडरवेयर नाना जी ने। क्या बात कर रहा है यार, पत्ते लगा के नहाएगा क्या तू? नहाएगा क्या भाई, तो मुट्ठे कॉन्शियस
मैं तो नहाऊंगा। तो गाइस ये वाला प्लान कैंसिल, अब जाएंगे मुपत की ओर। यहाँ से रिक्शित बता रहा है एक और साइड है, तो वहाँ नहाएंगे नहाएंगे इन्होंने तो नहाना नहीं है, मैं ही नहाएंगे भी कैसे, थोड़ा चील ठंडे पानी में। जो ये शांति है ना, इतनी शांति मन को मिल जाती है ना, और क्या चाहिए था जिंदगी है। तो मन में अशांति है, भोखाल है, भोखाल। तब कैसे पता लगेगा भाई, तो मैं भी दिखाऊंगा तो मैं कितना पदक छू पाऊंगा। आ जाओ यहाँ चैलेंज, इस ऊपर तक कितना छू सकता है। अब तो दर्शक भी आ गए। चल चल वीडियो क्या तू। चपाड़ ये तो भाई तू 1/3 भी नहीं हुआ भाई, मैं बताता था। वंस मोर नीचे को आने को डर लग रहा है यार, आई पकड़ में जाता हूं मैं को। वैसे तो बड़ा मुश्किल है यार, पूरा स्लिपरी है। चलिए जा जल्दी। ओ यस बढ़िया मैं। देखो गाइस मिनरल वाटर टू पी क्या बोलते एंटी ऑक्सीडेंट। ओ भाई साहब, ओए ये कहाँ चला है तू, स्पॉन्सर जैकेट लेके आया था क्या, बाइक लेके तो आया नहीं तू यार। यार यहाँ पर इतने वीडियो बनाने आया पड़ी। ठीक है ठीक है ठीक है, बाहर ना आया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो वो यहीं पे बैठ जाते। अच्छा हाँ यहाँ कपल बैठे। चल चलो ऊपर ले, डिस्टर्ब नहीं करते हम। तो गाइस ये है वो स्पॉट जहाँ पे लोबो नहाएगा। ज्यादा आगे मत जाए, डूब जाएगा नहीं तो। चिकन लेग पे नाले, ये लोग पता नहीं नहाएंगे नहीं नहाएंगे, बट मोर पानी नहीं लगता। तो गाइस एक्चुअल में सीन क्या है, बड़े दिनों से मेरे बॉडी में दर्द हो रही है, तो एक कोल्ड वाटर बात लेंगे। यहाँ तो ऊपर ऊपर चाहिए था ये बोए। चल दोस्त is ready for round 2. Yo, let's push past, push past. Push past our limit, eh? कैसा लगा? तुम लोग अपने घर में बैठ के, बिस्तर में बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे, और यहाँ पे लॉबी माइनस डिग्री पानी में जाके तो ये अब ये वाला चढ़ने के लिए है ना भाई पोर्शन। ध्यान से गाइस इसको बोलते हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ना नीचे का ना ऊपर ना घर का ना घाट का। अरे ये हमारी क्या बोलते हैं हमारे बीच का वो छुई हुई दौड़ के चढ़ जैसे वो चढ़ा फिसल जाएगा। सक लौंडा नहीं रुक गया। शाबाश शाबाश
मैं बताऊंगा तुम आगे चढ़ते कैसे रहा। इंसी पिंसी स्पाइडर क्रॉलिंग ऑन द वॉल। चल गया। हसीना जाने मन, हसीना दिल। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। पीछे देख एक बार, पीछे देख एक बार। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर, तो अब कुछ खाने जाएंगे। बढ़िया मजा आ गया ठंडे पानी बनाने का। पता कुछ प्लान बना रहे हैं हम लोग कल परसों का, देखते हैं। इट्स वेट एंड वॉच क्या बनता है कि नहीं, सक्सेसफुल होता है कि नहीं, कि फिर से हमें अरमान दिखा कर छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे है बच्चे। अब होगा यहाँ पे जंग। ठोक दे बाइक, ठोक दे, डाल दे वो, डाल डाल डाल, चलो चलो अंकल, चलो चलो। तो गाइस अब आ गए हैं हम लोग लंच करने। अब करेंगे तो कम मोमोज चाउमिन का लंच, और इसके बाद जाएंगे नीचे को। चल चल ठीक है, वहाँ कहाँ जा रहा है यहाँ। नाउ वी आर डन विद द फूड। अब हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने जा रहे हैं ऊपर। भाई साहब इस बाइक की तो बैंड बच गई है, दो बॉडी शेविंग बढ़ते यार। वहाँ देखो पूरे चेसी के बराबर तो उसके दोनों टांगे हैं, दोनों टांगे भी ज़्यादा भारी हो जाएगी। भाई साहब, भाई साहब बाइक की तो जान निकल जाएगी। सो गाइस आज देखो हम लोग गए थे उस गांव में, देख रहे हो ऊंचाई। मन तो था ऊपर तक जाने का लेकिन जाने नहीं दिया, रास्ता नहीं था हमारा। फोकस हर सीजन की कहानी। भाई इस HRTC वाले को देखो, इसकी वजह से देखना कितना जाम लगेगा। सरकारी गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, ऐसा लाइन तोड़ना अलाउड नहीं होना चाहिए। और आगे ठुले बैठे, अब देखते हैं चलान करते हैं कि नहीं करते इसका। और इसको अगर किसी ने बोल लिया तो फिर ये बहुत जमाएगा कि ये सरकारी गाड़ी है, इसको नहीं होता कोई चीज़, जो कि ठीक बात नहीं है। सरकारी गाड़ी, अब देखा फंसेगा खुद भी और हम आगे फंसाएगा। ए सरकार तो साड़ी अपनी है। यही गाना गा सकते हो उसके लिए, और क्या गाना।